तो दोस्तों आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इससे जो लोग एडिट करते हैं उनके लिए तो ये एकदम रामबाण इलाज है। क्या होता है ना, कई बार हमारे पास कुछ म्यूजिक्स होते हैं जो मिक्स होते हैं, उसमें वोकल भी होता है और हमें सिर्फ उसका इंटरल्यूड चाहिए होता है, म्यूजिक चाहिए होता है, वोकल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसको बहुत प्रॉब्लम होती है यूज़ करने में। आज मैं आपको बताऊँगा कि वोकल और म्यूजिक को अगर आपको सेपरेट करना है तो वो कैसे करते हैं, और ये बहुत ही ईजी और फ्री ट्रिक है। सबसे पहले एज यूजुअल आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम पर सर्च बार में आप सर्च करेंगे वोकल रिमूवर। टाइप करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आपको शो होगी उसका नाम है वोकल रिमूवर एंड आइसोलेशन AI। उसी पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप सामने देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो इसका इंटरफेस है उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या काम करता है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको वोकल और म्यूजिक अलग करना बता रहा हूँ। जो भी फाइल का आपको म्यूजिक और वोकल अलग करना है उस फाइल को आप ब्राउज कर लीजिए। ब्राउज करने के बाद आपने फाइल सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी और उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑडियो प्रोसेसिंग। और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि म्यूजिक और वोकल हमारा दोनों सेपरेट हो चुका है। मैं आपको यहां पर प्ले करके भी शो कर देता हूं। ये देखिए, हमारा सिर्फ म्यूजिक प्ले होगा और यहां से मैं इसको ऑफ करके ऑन कर दूंगा वोकल को, तो यहां से मेरा सिर्फ वोकल ऑन होगा। करना है उसकी फॉर्मेटिंग करके देगा, आपको ग्रामर मिस्टेक लग रही है। इसी को जब सेव करना होगा तो सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ राइट साइड में बॉटम में ऑप्शन दिया गया सेव का। सेव करने के बाद जब मुझे वोकल सेव करना है तो मैं सिर्फ वोकल सेव कर लूंगा, जब मुझे म्यूजिक सेव करना है तो मैं सिर्फ म्यूजिक सेव कर लूंगा। दोनों फाइल्स एकदम क्लीन सेपरेट हो चुकी हैं, आपका काम हो चुका है। मिक्स को अनमिक्स करना कभी भी इतना इजी नहीं था। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ और आपके दिमाग में है जो आप सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।